कैंट पुलिस ने छात्रा का पीछा कर छेड़खानी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बालापार बैजनाथपुर थाना चिलवाताल से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय भारद्वाज पुत्र घुरऊ भारद्वाज निवासी बनगाई टोला रक्सड़वा थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं पीड़िता को, जो मेरे गांव की ही रहने वाली है, जानता पहचानता हूं। दिनांक 29 जुलाई को जब पीड़िता टेम्पो से अपने कॉलेज जा रही थी तो मैं इसका पीछा करते हुए गुलेरिया अपने गाँव से सेंट जोसेफ कॉलेज तक पीछा किया। अभियुक्त अजय अपनी गलती की माफी मांग रहा है और कहा कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। पीड़िता द्वारा छेड़खानी की बात अपने घर वालों को बताई थी, तब अजय भारद्वाज के घर और पीड़िता के घर से कहा सुनी हुई थी। इस संबंध में थाना गुलेरिया में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर कैंट थाने में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राकेश यादव, संदीप यादव, आनंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट में 29 तारीख को एक बालिका द्वारा एक प्रार्थना पत्र देके मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अंकित किया गया था कि ये युवती, जो कि गुलरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, वो जब भी अपने कॉलेज आती हैं तो वहीं का एक लड़का लगातार उनका काफ़ी दिनों से पीछा कर रहा है और छेड़छाड़ करता है। इसी बात से परेशान होकर के उनके थाने पर तहरीर दी थी। इससे संबंधित मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार पुलिस द्वारा अभियुक्त की अभियुक्त दबिश दी जा रही थी, जिसमें कल रात में अजय भारद्वाज नाम का ये जो अभियुक्त है, वो उसकी अरेस्टिंग हुई है, उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस बारे में भी जानकारी की जा रही है, जिसकी अभी जैसे जानकारी होगी तो बताया जाएगा। लड़की का कहना है कि कुछ महीनों से उसके द्वारा पीछा किया जा रहा था, अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है, आगे की जानकारी और प्राप्त हो जाएगी।